हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सुमित झारखंडी और हमारे यूट्यूब चैनल एसकेएम ब्लॉग पर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि डीजे सेटअप को लेकर कि भाई, जब मैंने डीजे शशि, डीजे सार्जन का जब इंटरव्यू या तो जो भी आप बोल सकते हैं टोर जब सेटअप का किया, तो बहुत सारे फैन जो कि चाहने वाले डीजे पंकज चंदन क्यारी, तो उनका भी कमेंट्स आ रहा कि भाई उनका टूर करवाओ, सेटअप टूर, और किस तरह का उनका सेटअप है, क्या है सारा चीज़ आप लोग, मतलब फुल डिटेल में हम लोग को एक वीडियो बनाई। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हमारे बीच देख सकते हैं डीजे पंकज चंदन क्यारी साथ में बैठे हुए हैं, और उनका ये सेटअप पर ही देख सकते हैं, या तो दुकान बोलते हैं, सब उनका दुकान पर हम हैं। तो चलिए, कुछ वीडियो में कुछ खास बातें होने वाला है, तो आप लोग को इंटरेस्टिंग काफ़ी ज़्यादा बनेगा ये वीडियो, तो आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और हमारे साथ बने रहे ब्लॉग पर। सो पंकज जी, आप कब से इस लाइन से आप काम कर रहे हैं डीजे सेटअप को लेकर? हम ये डीजे सेटअप, उस टाइम डीजे नहीं था, ये साउंड सिस्टम उस टाइम चला था। अच्छा, 1997 से हम स्टार्टिंग आए इस लाइन में। तो आपका अनुभव किस तरह का है इस लाइन पर? काफ़ी अनुभव है इस लाइन में, हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रखे हैं। ऑडियो कैसेट से हम अनुभव रखे हैं, ऑडियो कैसेट मान लीजिए उस टाइप से हम लोग बजाते हैं। तो आपका साउंड, जैसे कि साउंड का क्वालिटी किस तरह का रहता है, साउंड क्वालिटी जो होता है? क्वालिटी तो काफ़ी अच्छा रहता है हम लोग का, जो भाई लोग सामने में आके जो सुनते हैं उनको पता चलता है कि हम लोग का क्वालिटी क्या रहता है, और बाकी जो मोबाइल और यूट्यूब है ये इससे देखते हैं तो उन लोग को पता नहीं चल पाता है कि हम लोग का क्वालिटी क्या रहता है। जो आदमी आके सामने सुनता है उसको पता चलता है कि हम लोग क्वालिटी काफ़ी अच्छा रहता है। तो बहुत सारे जैसे यूट्यूब में कमेंट्स भी आता है फैन, जैसे मेरे वीडियो पर मैंने बहुत सारा वीडियो सेटअप को लेकर बनाया है, तो डीजे सेटअप वालों को लेकर, तो बहुत सारा कमेंट्स आया कि भाई डीजे सार्जन, डीजे पंकज या तो डीजे शशि, इनमें से बेस्ट कौन है, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? इसके बारे में देखिए, हम तो किसी का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि बिजनेस सबका अपना अपना जगह में है, और काफ़ी भाई लोग अपना अपना तरीका से बिजनेस करें, अच्छा से करें, सबका ठीक है। जैसे कंपटीशन आप लोग का होता है डीजे सेटअप का, तो आपका भी कंपटीशन होता है, तो उसमें से कैसे लोग पता कर लेते हैं कि ये साउंड में क्वालिटी इसका बेस्ट है? मान के चलिए दो साउंड एक साथ में कंपटीशन हो रहा है, तो वो कैसे लोग, ऑडियंस या तो फैन कैसे पता कर लेते हैं कि ये आपका साउंड अच्छा बज रहा है, इनका खराब बज रहा है, या तो लो क्वालिटी या हाई क्वालिटी, इसके बारे में? कंपटीशन जहाँ पर होता है वहाँ पे क्वालिटी का कोई मायने नहीं रखता है, वहाँ पे आदमी ज़्यादातर सुनता है कि आवाज़ किसका बेस ज़्यादा है, किसका तेज भाग रहा है ना, वहाँ पे क्वालिटी का कोई रहता ही नहीं है, क्वालिटी ख़त्म हो जाता है वहाँ, क्वालिटी कोई सुनता ही नहीं है। सो इसमें आप बता सकते हैं जैसे कि मशीन का लेकर आता है क्वालिटी, जैसे कुछ तो अंतर रहेगा कि उनका मशीन हाई हो सकता है या तो हाई वोल्ट का स्पीकर? मशीन में जहाँ तक मेरा अनुभव है कि मशीन कोई भी हो, अगर बजाने वाला सही हो, ऑपरेटर सही हो, तो साउंड का क्वालिटी बेस्ट से बेस्ट वो निकाल सकता है। अच्छा, तो उस तरह का मशीन भी तो होना चाहिए ना, मशीनरी? मशीन से कोई बोले दे, ऐसा कोई मतलब कंपनी नहीं निकाला है कि ये मशीन से हम बजाएंगे तो अच्छा बजेगा, वो मशीन से खराब बजेगा, ऐसा कोई नहीं। अच्छा, तो अभी आपका सेटअप, जैसे आपका कैबिनेट सारा चीज़ें तैयार होता है? हाँ, मेरा अभी सारा चीज़ तैयार होता है, कैबिनेट से लेके स्पीकर, मशीन, सारा चीज़ हम लोग टेस्टिंग करके देते हैं सेटअप नया। अच्छा, तो चलिए काफ़ी अच्छा है। आप जैसे अभी आपका सेटअप टूर भी हमें करवाना है, क्योंकि लोगों को देखना है कि आपका कैबिनेट किस तरह तैयार होता है, तो थोड़ा सा आप सेटअप टूर करवा दीजिए। सेटअप टूर करवा दे, मेरा छोटा भाई रितेश है। अच्छा, मेरा मेन ऑपरेटर धर्मेंद्र माथुर जी। अच्छा, हाय कर दो भाई सभी को एक बार। तो चलिए आप फ्रेंड्स, आप लोग को मैं दिखाता हूँ इनका कैबिनेट और सेटअप टूर में सारा करवा रहा हूँ, जैसे कि रितेश भाई अभी करवाने वाले हैं, तो चलिए आप लोग हमारे साथ बने रहे, और लास्ट में आप लोग का एक क्लिप देखने को मिल जाएगा कि साउंड किस तरह का बजता है, जो लेट हो गया आने का, जिसके कारण से मैं आप लोग को साउंड टेस्टिंग नहीं दिखा पाया, बट मैं थोड़ा सा वीडियो क्लिप आप लोग को दिखा दूंगा। ओके, तो चलिए सेटअप टूर आप लोग को करवाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे साउंड सेटअप भी यहाँ पर है, तो साथ में देख सकते हैं रितेश भाई, थोड़ा बताओ यहाँ कौन सा स्पीकर है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका डीजे रितेश, जैसा कि जानते हैं तो ये जो है ये 18 है, देख सकते हैं, और ये जो है ये 5-15 का सेटअप है। अच्छा, और आगे भी 4-15 का भी सेटअप है, ये ट्यूटर है, सबको तो पता है, बता देता हूँ। ये जो है ये 6-12 है, ठीक है, अभी इसमें स्पीकर नहीं लगा हुआ, मतलब ये स्पीकर नहीं लगा हुआ, खाली पड़ा हुआ, खाली डब्बा है, बाकी ये सब जो है 4-15 है। अच्छा, इसमें से आपका बेस्ट सेटअप कौन सा है? जो बेस्ट सेटअप जो है ये रेड वाला है, जो अलमारी जैसा। सब फ्रेंड्स, यहाँ से देखने से
इधर से देखने से आपको इस तरह का दिखेगा, ये जो कि बेस्ट सेटअप है डीजे पंकज। हाँ, ये सबसे बढ़िया सेटअप है मुझे जहाँ तक लगता है, अभी तक सबसे बेस्ट क्वालिटी इसी में है। इसी में ना। हाँ। सो आप लोग ये इस सेटअप को आप लोग देखें तो कमेंट्स करके बताना कमेंट सेक्शन पर। तो चले फ्रेंड्स, ये तो हो गया कुछ यहाँ का टूर, जो कि यहाँ पर ये इनका शॉप का हो गया। अब आगे कहाँ लेके जाने वाले भाई हम लोग? अभी तो कैबिनेट शॉप लेके जाने वाले हैं, जहाँ पर कैबिनेट बनता है तैयार। अच्छा। किस तरह से होता है सारा कुछ आप लोग को दिखाने वाले, वीडियो पे देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं, डायरेक्ट मिलते हैं इनके कैबिनेट हाउस पर ना। हाँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच गए हैं पंकज कैबिनेट हाउस, और साथ में रितेश भाई है ऑपरेटर, नाम भूल जा रहे भाई का, धर्मेंद्र भाई है ऑपरेटर, जो कि आप लोग अगर जानते तो कमेंट्स करके बताना, धर्मेंद्र और रितेश। तो कैबिनेट हाउस और कुछ बताएंगे भाई, बताओ। यहाँ पर स्पीकर्स वगैरह सारा कुछ रखा हुआ है, और कैबिनेट भी काफ़ी सारा रखा हुआ है, ये बना हुआ है। हाँ, ये सब बना हुआ है, सब पार्टी के ऑर्डर पर है बना हुआ। अच्छा। और भी था सारा, एकदम माल एकदम पूरा मतलब भरा हुआ था, तो आज जो पार्टी दो आए वो सारा कुछ ले गए, इसीलिए आपको बोल रहे थे कि थोड़ा जल्दी आइए, तो आप थोड़ा लेट कर दिए, तो हम लोग लेट हो गया, जिसके कारण से मैं दिखाने। बट आपका जो वर्क होता है, काम वहाँ कहाँ पर हो रहा है? काम अगला रूम में होता है। अच्छा। इस रूम में ना? हाँ। बगल वाले में तीन गो रूम है, वहाँ काम होता है। देखिए यहाँ पर देखिए सारा कुछ जो है रेडी होता है, यहाँ कैबिनेट बन जाने के बाद वो रूम में हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कचरा कूड़ा हल्का फुल्का जो है कटिंग वटिंग होते रहता है प्लाई, तो गंदा वंदा लगते जाता है, इसीलिए अभी तो काम बंद है, सारा कुछ जो अंदर कर दिया गया है। अच्छा, कितना वर्कर इसमें काम करते हैं यहाँ पर? इसमें टोटल मिस्त्री लेके जो है सात आदमी। अच्छा, तो यहाँ पर आपका सारा चीज कम्प्लीट होकर वहाँ पर मतलब? हाँ, यहाँ सारा कुछ बनाया जाता है कैबिनेट, और उसके बाद ये रूम में शिफ्ट कर देते हैं सारा चीज़। फिर यहाँ पर फिटिंग जो भी का अपना किया जाता है ना, यहाँ फिटिंग वो सब। स्पीकर कौन सा कंपनी का है? कौन वाला ये स्पीकर? यहाँ ऑडियो टोन का है। अच्छा, ठीक ना, ऑडियो का भी है, और GST है उधर, काफी सारा कंपनी है, देख सकते हैं आप। तो आपको और साउंड सेटअप के बारे में कुछ खास कुछ बातें जो कि आपको बोलना हो आपने फैन के लिए, वो भी बता दीजिए, क्योंकि सेटअप टूटा हम लोग को काफ़ी मतलब हो ही गया समझिए। देखिए साउंड जैसा कि सब कोई जानता है कि सॉन्ग मिक्सिंग करते हैं हम, सॉन्ग मिक्सिंग करते हैं, तो मतलब रहता है कि चलो भाई, पहले तो हम जैसे इसमें काम नहीं करते थे, ठीक ना, सेटअप पे काम नहीं करते थे, तो जब सॉन्ग मिक्सिंग करने लगे तब लगने लगा कि चलो भाई, सॉन्ग मिक्सिंग कर रहे हैं तो सेटअप में होना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे मन गया, बस ठीक ठाक सेटअप जो है सब कुछ अच्छा ही। कंपटीशन के बारे में क्या कहना है? दो चार जैसे कंपटीशन होता है, अभी बहुत सारे फैन भी बोलेंगे कि ये साउंड इज द बेस्ट, मतलब समझ सकते हैं कि साउंड के बारे में। हाँ। तो उसके बारे में क्या कहना है? देखिए कुछ ज्यादा खास कहना नहीं है। हाँ। बस यही कहना है कि सब साउंड अपने जगह पे ठीक है। हाँ। ठीक ना। हाँ। और क्या बोलूं, इससे ज्यादा तो समझ ही सकते हैं, सब कोई भाई बता ही सकते हैं। सो यहाँ कुछ इस तरह का देखिए, जो कि डीजे पंकज का कैबिनेट यहाँ तैयार होता है, आप लोगों को मैंने दिखाया, और साथ में है रितेश भाई, आप लोग तो रिमिक्स सही पहचानते होंगे, क्योंकि भाई का भी कुछ फेस वैल्यू मार्केट में कुछ क्या, आप लोग बताना कितना ज़्यादा है। मैं तो फिलहाल इनका सॉन्ग सुना था, दो चार सॉन्ग भी मैं जैसे रिमिक्स सुनता, तो भाई का सुना हूं, तो काफ़ी अच्छा है, रिमिक्स भी करते हैं। तो और कुछ बोलना है भाई आपको? और क्या बोलना है, भाई को सपोर्ट करना भाई लोग, क्योंकि भाई जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, तो भाई को एकदम जैसा कि पहले भी बोल रहे हैं कि भाई को सपोर्ट करते रहना है हमेशा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आपको कैसा लगा, जो कि आप लोगों का डिमांड पर मैंने डीजे पंकज का कैबिनेट हाउस या डीजे पंकज से भी मिलवाया, और डीजे रितेश भी से मिल लिए आप लोग। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग क्या करना है भाई? लाइक कर देना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा का जोर दबा देना है, ठीक है भाई लोग। और इसके बाद आप लोग अगर कंपटीशन वाला देखना चाहेंगे तो क्या करना है कंपटीशन के लिए? कंपटीशन के लिए तब भाई को कॉल कर लेंगे, जब कंपटीशन होगा तो सुमित भाई को कॉल कर लेंगे, पहले बुला लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि इनका जो साउंड वाला कैसा है, हार्ड बेस या हार्ड क्वालिटी किस तरह का है आप लोग किस तरह का है, क्योंकि देखिए जो होता है हम लोग मोबाइल से रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल से क्वालिटी समझना इम्पॉसिबल है, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग मोबाइल के सामने कोई भी स्पीकर के सामने बोलते हैं तो ज्यादा तेज समझ सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ वो क्वालिटी पर डिपेंड करते हैं कि आपका कौन सा ब्रांड का फोन है, कौन सा फोन का क्वालिटी अलग होता है, क्लियरिटी सुना है उसमें नहीं मिलता है, तो वो क्वालिटी सुन के आप नहीं बता सकते हैं कि इसमें क्या है इसमें क्या है, जब तक अपने कानों से नहीं सुनिएगा तब तक। तो चलिए फ्रेंड्स, बस आज के लिए बस इतना ही था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है भाई ने बता दिया है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था, उम्मीद करूंगा
ब्लॉग आपको पसंद है, पसंद है दोस्तों के साथ फिर से एक बार शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय। और कंपटीशन वाला एक मैं क्लिप लगा दूंगा आप लोग इनका कंपटीशन का और कंपटीशन का भी, और आज जो टेस्टिंग हुआ, आज टेस्टिंग हुआ था तो वो क्लिप भी लास्ट में आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि शाम का टाइम था जिसके कारण से मैं वो शूट नहीं कर पाया, बट भाई शूट करके रखा, वो क्लिप आप लोग देखें।